तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हरियाणा के किसान ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसद नायब सैनी की कार ने प्रदर्शनकारी किसानों को अंबाला में रौंदने की कोशिश की, जिसमें एक किसान घायल हो गया है। घायल किसान को अंबाला के पास नारायणगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ये कथित घटना हुई है। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के लोकसभा सांसद नायब सैनी और पार्टी के अन्य नेता कोरोना का मुकाबला कर रहे चिकित्सा और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अंबाला गए थे। सैनी के दौरे के विरोध में किसान वहां जमा हुए थे। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और कारों का काफिला उस क्षेत्र से बाहर निकलने लगा, तभी वाहनों में से एक ने कथित तौर पर एक किसान को टक्कर मार दी। भाजपा नेताओं के दौरे का विरोध करने के लिए सैनी भवन के बाहर किसानों का एक बड़ा समूह जमा था। यह घटना यूपी के लखीमपुर खीरी में 8 लोगों के मौत के 5 दिन बाद आया है, जहां कारों के एक काफिले ने किसानों को रौंद दिया था, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 अन्य लोगों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि किसानों को रौंदने वाली गाड़ी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की है और कथित तौर पर उनके बेटे आशीष मिश्रा उसे चला रहे थे। लखीमपुर खीरी में ये कार किसानों की भीड़ में पीछे से तब तेजी से घुस गई थी जब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अभी तक लखीमपुर खीरी कांड में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस पर सियासत गर्म है।